जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है अनुराग। दोस्तों, जिस समय पे रॉयल फील्ड ने नई क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च किया, तो उसने क्या किया कि ऑलरेडी जो क्लासिक 350 BS6 मॉडल हमारा आ रहा था, उस पे 3 बार कीमत बढ़ाने के बाद इसको और ज़्यादा कीमत पर लॉन्च किया, क्योंकि उसे लगा पैसा ही पैसा हो गया। अब जब ऐसा हुआ तो सब कुछ प्लानिंग करके, बहुत सारा उसको बता के, सारी चीज़ें समझा के, सब चीज़ करने के बाद, बढ़िया तरह से प्रमोट करने के बाद उसको लॉन्च किया, लेकिन इफ़ेक्ट कुछ उल्टा हो गया। दोस्तों, कई सारे लोग ये कहते हैं कि मैं रॉयल एनफील्ड की हमेशा बुराई करता रहता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, इंसान उसकी गलती को ही बताता है जिसको अपना मानता है। मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि रॉयल एनफील्ड जो गलतियाँ कर रहा है बिल्कुल ना करे। ये जो प्राइस बढ़ाने की जो बात है ना, जो बार बार रॉयल एनफील्ड प्राइस बढ़ा रहा है, ये मेरे हिसाब से गलत किया। प्रोडक्ट में मुझे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई। एक दो चीज़ मैंने कही थी कि किक क्यों नहीं है, डिज़ाइन थोड़ा सा सही नहीं है पीछे की तरफ से, वो चीज़ मुझे फील हुआ तो मैंने कहा, लेकिन इंजन में, फीचर्स में, सब चीज़ों में रॉयल एनफील्ड ने बढ़िया काम किया। अब जब क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन की मैंने अभी पिछली एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रॉयल एनफील्ड की जो टोटल सेल है वो 52% डाउन गिर चुकी है, और ये देखने के बाद रॉयल एनफील्ड का हाल कुछ इस तरह का हो चुका है। अब कई सारे लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर, हमें आप ये बताइए कि क्या क्लासिक 350 BS6, मतलब कि जो पहले वाला मॉडल था, क्योंकि वो डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो क्या वो वाला मॉडल दोबारा आएगा या नहीं आएगा। देखिए, पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखो, पहली बार अगर मेरे चैनल पे हो ना, तो ज़रूर यार चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मुझे वीडियोज़ लाने की मन करता है, ठीक है ना। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो ही मैं आगे बढ़ूँगा, और मैं चाहता हूं कि अगर आपको अच्छी लगती हो ना मेरी वीडियो, तो मुझे आप सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ ही साथ जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहली मेन चीज़ तो ये है कि मैं एक बात कहना चाहूँगा रॉयल एनफील्ड से, कि जब इतने सारे लोग, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, और यकीन मानिए मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आते हैं, इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि रॉयल एनफील्ड को बकवास कर दिया, कि हटा दी, बेकार कर दी, थर्ड क्लास कर दी, लुक बेकार कर दिया, स्प्लेंडर ज़्यादा अच्छी है, इस तरह के कमेंट्स आते हैं मेरे पास, जबकि पहले मेरे पास इस तरह के कमेंट नहीं आते थे कभी भी। जो पहले मॉडल था उसके उससे रिलेटेड प्राइस को लेकर आते थे, लेकिन अभी जो 3 शिकायतें बनी हुई हैं लोगों की, वो है किक को क्यों हटाया, लुक्स में क्यों छेड़छाड़ करी, और प्राइस इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा दी। ज़्यादातर कमेंट्स ये आते हैं। और देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा रॉयल एनफील्ड से कि अगर इतने सारे लोग आपको ये बात बोल रहे हैं, तो आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन अपना पुराना मॉडल वापस लाइए। अगर आपके लोग आपके साथ नहीं होंगे, अगर परचेज़ नहीं करेंगे कस्टमर्स, तो आपका नुकसान होना तय है। ये मैं रॉयल एनफील्ड को हिदायत देना चाहता हूँ। अब जहाँ तक बात है कि क्या क्लासिक 350 BS6 वापस आएगी नहीं आएगी, देखिए दोस्तों, मैं बिल्कुल सच बात आपसे बताता हूँ, ये टोटली डिपेंड करता है हम लोगों के ऊपर। अब आप कहोगे कि हम लोगों के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। देखिए, किसी भी कंपनी की ग्रोथ या डी ग्रोथ दोनों डिपेंड करती है उसकी सेल के ऊपर। और अगर कंपनी को ये लगातार महसूस होगा कि हमारी जो ये नया प्रोडक्ट है नेक्स्ट जनरेशन, तो अगर उसको ये लगता है कि भाई मेरे ये प्रोडक्ट नहीं बिक पा रहा, तो मुझे ये पता है कि इसको डिसकंटिन्यू नहीं करेगी कंपनी, इस वाले मॉडल को, क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन को, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक काम करना चाहिए कि क्लासिक 350 BS6 मॉडल जो अभी तक हमारा आ रहा था, उसको कंटिन्यू कर देना चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको किक की बहुत ही, मतलब वो हर बार उनको किसी भी तरह किक चाहिए बाइक में, तो मैं ये कहूँगा रॉयल एनफील्ड से कि कुछ भी करें, कुछ भी आप जुगाड़ लगाइए, कुछ भी दिमाग लगाइए, कैसे भी करिए, लेकिन किक का ऑप्शन जरूर आप रखिए। चाहे भले ही 1-2 हज़ार रुपये और बढ़ा दीजिए, लेकिन किक का ऑप्शन जरूर रखिए। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर पूरी तरीके से, कि अगर हम इस क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते या परचेज़ नहीं करते ज़्यादा, तो फिर
मजबूरन क्लासिक 350 BS6 मॉडल जो अभी तक हमारा आ रहा था उसको लाना पड़ेगा रॉयल एनफील्ड को। अभी मैं ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंपनी अपना नुकसान नहीं करना चाहेगी, ऐसा कोई ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है रॉयल एनफील्ड ने, लेकिन ये चीज़ तय है, ये चीज़ सुनने में पता लग रही है कि रॉयल एनफील्ड का जो नया मॉडल है उसको बहुत सारे लोग पसंद नहीं कर रहे। ये बिल्कुल सच बात है, मैंने शोरूम से भी पता करा है, कई सारे लोगों से भी बात करी है जो रॉयल एनफील्ड से जुड़े हुए हैं, और ये बात बिल्कुल सच है कि क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन को इतना पसंद नहीं करा जा रहा। ये मान के चलिए आप 50% उसको पसंद कर रहे हैं लोग, 50% लोग उसको पसंद नहीं कर रहे, जबकि क्लासिक 350 BS6 मॉडल जो इससे पहले आ रहा था उसको सारे ही लोग ज़्यादातर पसंद कर रहे थे। तो दोस्तों ये मैं आपसे कहना चाहूँगा, और बाकी बाइक में कोई बुराई नहीं है नेक्स्ट जनरेशन में, लेकिन जो देखो हर एक आदमी की अपनी अपनी पसंद होती है, तो उसके बारे में आप ही ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं, मैं आपको नहीं बता सकता। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, टेक केयर।